हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंडोज शॉर्टकट के बारे में। ये मेरा वीडियो का थर्ड पार्ट है। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि विंडोज शॉर्टकट की का यूज़ कैसे करना है और कौन कौन सी विंडोज शॉर्टकट की है, तो हम इस पर बात करेंगे थर्ड वीडियो में भी। तो हमारे सामने पहले विंडोज शॉर्टकट की है सेव स्क्रीनशॉट इन द पिक्चर फोल्डर। तो दोस्तों, इसकी आवश्यकता हमें सिस्टम चलाने पर बार बार पड़ती है। हम जब भी कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उनको हम यदि एक स्क्रीनशॉट लेकर सेव करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, यदि आपने स्क्रीनशॉट ली तो ये आपके पिक्चर फोल्डर पर जाकर सेव हो जाती है और बहुत आसानी से आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले विंडोज शॉर्टकट की। तो हम अपने एग्जाम्पल के लिए खोल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। फिलहाल मैंने पीडीएफ खोल लिया यहाँ पर अपने एग्जाम्पल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये स्क्रीनशॉट अच्छे से आ सके। इसके बाद दोस्तों, आप अपने कीबोर्ड पर जाएंगे और कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे विंडो और प्रिंट एस सी बटन। तो आप जैसे इसको प्रेस करते हैं आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा और अपने पिक्चर फोल्डर पर सेव हो जाएगा। इसको देखने के लिए आप फाइल इसके ऊपर जाएंगे और इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे पिक्चर पर। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीनशॉट का, उस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीनशॉट सक्सेसफुली सेव हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्क्रीनशॉट जो कि हमारे पिक्चर फोल्डर पर सेव हो चुकी है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह अपने विंडोज शॉर्टकट की के माध्यम से एक स्क्रीनशॉट किसी भी डॉक्यूमेंट का अपने पिक्चर फोल्डर पर सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से। तो ये थी हमारी पहले विंडोज शॉर्टकट की, और चलते हैं अगले विंडोज शॉर्टकट की ओर, जो कि हमारे सामने ऐड अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। दोस्तों, जब भी आप सिस्टम चलाते हो आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा डेस्कटॉप ऐड करें, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड पर जाना होगा और प्रेस करना होगा एक साथ विंडो कंट्रोल और डी का बटन। यदि आप इनको एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड हो जाएगा। आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतना आप डेस्कटॉप ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपके सामने दो तीन चार वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड किया, आप इसी तरह बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए आप सिंपली आप टास्क व्यू पर जाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे। टास्क व्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं आपने जितना भी वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड किया है उनको देख सकते हैं और सिंपली उसको ओपन कर सकते हैं। आपने जिस भी वर्चुअल डेस्कटॉप को ओपन करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप सिंपली उस वर्चुअल डेस्कटॉप को ऐड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी विंडोज शॉर्टकट की, और अगले विंडोज शॉर्टकट की ओर चलते हैं, जो कि हमारे सामने स्विच बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप स्क्रीन। आपने जो वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड किया था उन पर यदि आपको स्विच करना है विंडोज शॉर्टकट के माध्यम से, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर जाएंगे और कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे विंडो कंट्रोल और लेफ्ट राइट एरो की से आप यहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि आप विंडो बटन और कंट्रोल बटन और लेफ्ट राइट एरो की से आप जितने भी डेस्कटॉप ऐड किए थे आपने उन पर स्विच कर जाएंगे, उन पर डायरेक्ट जा पाएंगे। तो फिलहाल मैं पहले डेस्कटॉप को ओपन कर लेता हूँ, और ये थी हमारी तीसरी विंडोज शॉर्टकट की। तो चलिए दोस्तों, हम अगले विंडोज शॉर्टकट के बारे में चलते हैं, जो कि हमारे सिस्टम पर है अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर। तो शॉर्टकट की है ओपन द एमएस विंडो हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। तो दोस्तों, इसकी ज़रूरत हमें बहुत बार पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस साइट है और यहाँ से आप किसी भी हेल्प को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसके बारे में। इसके लिए आपको कीबोर्ड पर जाना होगा, प्रेस करना होगा विंडो प्लस F1 का बटन। तो आप इनको प्रेस करते हो तो आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस साइट पर चले जाएंगे और यहाँ से आप जो भी देखना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम है आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी चौथी विंडोज शॉर्टकट की। यहाँ से आप हेल्प सेंटर ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस साइट से। इसके बाद दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज शॉर्टकट की है जूम इन अथवा यूजिंग मेनू फाइल। इसकी जरूरत हमें बहुत बार पड़ती है, और आप जब भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो आपके सामने, उसको जूम आउट करके आप देखना चाहते हैं, जूम इन करके देखना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा विंडो प्लस प्लस का बटन। आप यदि इनको प्रेस करते हो तो आपके सामने मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप प्लस माइनस का बटन देख सकते हैं। तो इन प्लस माइनस के बटन से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। एग्जाम्पल के मैं जूम आउट करके बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने जूम इन जूम आउट किया अपने प्लस माइनस के बटन से। तो फ्रेंड्स, आप भी इन विंडो शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं जूम इन जूम आउट के लिए, और आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये थे दोस्तों हमारे फिफ्थ विंडो शॉर्टकट की। अगले विंडो शॉर्टकट के बारे में चलते हैं क्या है, और हमारे सामने एग्जिट मैग्नीफायर। हमने जो मैग्नीफायर खोला था एग्जिट जूम इन जूम आउट के लिए, तो आप विंडो प्लस ESC का बटन दबाकर आप इससे सिंपली आप इसको बाहर चले जाएंगे या बंद कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैंने सभी विंडो शॉर्टकट की को बता दिया है। आप इन विंडो शॉर्टकट की का यूज़ करके आप एक अच्छा स्मार्ट बन सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।